बहन फौजिया है लूटन से, इनकी भांजी जो है उसको इसकी पीरियड की प्रॉब्लम भी है, उसका मिसकैरेज भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी जल्दी से बताइए, दो मिनट रह गए, जल्दी से। मैंने आपसे 3 हफ्ते पहले सवाल किया था, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का क्या सवाल था, जल्दी से सवाल कीजिए और कहाँ से कॉल कर रही हैं? हम लूटन से बात कर रहे हैं। लूटन से क्या नाम है? मेरा नाम है फौजिया। बहन फौजिया बताइए क्या सवाल है आपका, जल्दी से। एक्चुअली मेरी भांजी के लिए है कि उसको पिकोज है और उसकी वजह से उसको पीरियड की भी तकलीफ है, उसका मिसकैरेज भी हुआ था जुलाई में, तो उसके लिए आप कुछ बताइए कि क्या करना है। अभी शादी को कितने साल हो गए? शादी को लगभग 4.5 साल हो गए हैं। अच्छा, पहले कोई बच्चे हैं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, इनके इनके पीरियड आते नहीं है या इनको आते हैं तो उसके अंदर अय्याम में बेकायदगी है? नहीं, आते ही नहीं है। अच्छा इनकी उम्र कितनी है और वजन कितना है? दवाई खानी पड़ती है। उम्र कितनी है और वजन कितना है? वजन तो सही है, उम्र है इसकी 26 साल। उम्र 26 साल है जी। और शादी को 4 साल हो गए जी। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। और मिसकैरेज कब हुआ था? जुलाई में। अच्छा ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदकात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। महाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हज़ारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 01216773999। और बहन फौजिया है लूटन से, इनकी भांजी जो है उसको इसकी पीरियड की प्रॉब्लम भी है, उसका मिसकैरेज भी हुआ है और 4 साल इनकी शादी को हो गए और इंतहाई जारी बात है, तकलीफ देख बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको औलाद नरीना नसीब फरमाए। तो मेरी बहन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी उम्र भी 26 साल है, कोई इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद की नेमत भी नसीब फरमाएंगे। लेकिन आप कोशिश ये करें मेरी बहन कि रात को सोते वक्त आप जो है मेथी दाने का इस्तेमाल करें। मेथी दाने को आप बिल्कुल ना छोड़ें, नीम गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के अंदर आप जो है उसके अंदर आप हल्दी डालें और इसके साथ साथ आप मेथी दाने को, एक चम्मच मेथी दाने को इस्तेमाल करें। एक काम ये करें, सुबह नहार मुँह आप लहसुन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सुबह नहार मुँह एक तूरी लहसुन ले लें, उसको पीस लें, शहद के साथ इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तीसरा अमल ये करें कि दिन के अंदर आप एक कावा बनाएं अदरक का और लौंग का, और अदरक लौंग और इसके साथ साथ जो है तीसरी चीज़ ज़ीरा, ये तीन चीज़ें अदरक लौंग और ज़ीरा, इसका कावा बनाएं। कावा बनाकर इसके उसको खूब दिन में जितना आप ज़्यादा पी सकेंगी आपके लिए इंतहाई मुफीद है, इसको आप पीती रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी पीरियड की प्रॉब्लम वो भी दूर फरमाएंगे, अगर तकलीफ़ होगी तो वो भी दूर फरमाएंगे, इंशाल्लाह मेडिसिन की तरफ इंशाल्लाह नहीं जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आगे खुशियाँ भी नसीब फरमाएंगे इंशाल्लाह।